ओ भाई खतरनाक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाएगा अब। ये गाइस एक्सीडेंट हो गया, हाथ में लग गई, पीछे पड़ चुकी है वहां पे देखो। ओ भाई मैगी खत्म कर दी, एक्सीडेंट हो गया भाई। ये सीख गया मैं भाई। भाई मैंने ना एक बार 105 बार निकाली थी वाटर ट्रेन। तो गाइस देखो ड्रैग रेस लग चुकी है हमारी और रौनक की। ओ गाइस कासे में लगने वाला है अगर डेविड नाम के ठेड़ा। हेलो गाइज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सात ताल। तो गाइज कल हम लोग सात ताल आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने की थी कैंपिंग। ये लगे हुए हमारे कैंपिंग टेंट और वहाँ देखो अनुज भाई जा रहे हैं बिसलरी की 2 लीटर वाली बोतल को लेके। अब आप सोच ही सकते कि कहाँ जा रहे होंगे भाई। तो अभी देखो वैनम भाई फिर से टेंट के अंदर चले गए। तो गाइज अभी टाइम हो रहा सुबह के 7:30। आज हम लोग यार काफी लेट हो गए उठने में क्योंकि सोए भी हम लोग काफी लेट नाइट थे। ये देखो अपनी बोन फायर अभी तक जल रही है, ये देखो धुआं निकल रहा है। और भाई कैंपिंग के लिए हमें ना बहुत ही प्यारा स्पॉट मिल गया था, ये देखो भाई लेक के किनारे। और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है, वहाँ देखो बोट भी पड़ी हुई है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है कायाकिंग भी होती है। हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग यहाँ पे कायाकिंग करेंगे लेकिन कल आते आते हम लोग यहाँ पे बहुत लेट हो गए थे। और यहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू होती है वो शायद से 10 बजे के आसपास होती है। तो आज भी पता नहीं हम लोग कायाकिंग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से 10 बजे के बाद निकले तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे जहाँ हम लोगों को पहुँचना है वहाँ के लिए। तो देखते हैं कि कायाकिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सो गाइस अभी करते हैं फेस वॉश इसी लेक के पानी से। और ये देखो हमारे बर्तन रखे हुए हैं भाई गंदे, इनको भी धोना पड़ेगा क्योंकि शाम को हमने यहाँ पे कुकिंग भी की थी। तो गाइस फेस वॉश करने के बाद अब थोड़ा अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। और पीछे आप देखो धूप निकल आई है। तो गाइस आदमी आता है पहाड़ों में नजारे का लुफ्त उठाने के लिए। और शिवम भाई इस बात से टेंशन में है कि शाम से इनका नेट नहीं चल रहा है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर कुछ सामान लेने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, साबुन और जूना चाहिए था तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। हम घर से लेके ही नहीं आए, भूल गए। अभी जब बर्तन गंदे हुए अब याद आया कि वो भी लाना था। और चाय पत्ती वगैरह सब कुछ ले आए कल शाम को जाके, लेकिन उसको छानने के लिए छल्ली नहीं लेके आए थे। तो गाइस हम जो सामान लेने गए थे वो लेके आ चुके हैं, ये देखो भाई। और जब हम लोग गए थे तो देखो हल्की हल्की धूप आ रही थी। और भाई अभी का मौसम चेक करो, फॉगी फॉग हो गया है पहाड़ों के पीछे। इधर चेक करो फिर से खतरनाक वाला मौसम हो गया है। तो गाइस अभी प्रिपरेशन चल रही है चाय बनाने की। वैनम भाई की फरमाइश है कि 1 घंटे के लिए बारिश हो जाए। भाई बारिश मनाऊंगा इस लेक में, बारिश में तुम्हारा भाई बारिश मनाएगा। तो गाइस अभी धोए जा रहे हैं बर्तन वैनम भाई के द्वारा। गाइस अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं मैगी और पीछे अनुज भाई तैयारी कर रहे हैं ड्रोन को फ्लाई करने की। मैगी बनाते हैं चाय बनाते हैं, आप तब तक एंजॉय करिए कुछ ड्रोन शॉट्स। ड्रोन से कैसे लगे नजारे? हम तो घर जाके घूम पाएंगे ड्रोन से, आप लोग घूम चुके होंगे। तो मैगी बन चुकी है, चाय भी बन रही है। जब तक मैगी बनी तब तक ड्रोन राउंड लेके आ चुका है। तो गाइस चाय और अपनी मैगी रेडी हो चुकी है। तो भी सुबह सुबह देखो 2 लोग यहाँ पे योगा करने के लिए आए हुए हैं और योगा मैट रखी हुई है पीछे मैम की। और मैम आई है कहाँ से? आई मैम नोएडा से। मैम भी हमारे साथ चाय और मैगी का मजा ले रही है। थैंक यू सो मच।
वेलकम 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 सबका चैनल डेवल डीड। तो मैम कैसी हो रही है आज की मॉर्निंग? बहुत ब्यूटीफुल सीरीन। कब से घूम रहे हैं आप लोग? हम लोग भी कल ही आए हैं। अच्छा कल ही आए, पहले ही दिन हमारी तरह। हाँ हाँ बिल्कुल। फर्स्ट मॉर्निंग काफी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। तो अभी यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? यहीं पर है काइकिंग और बोटिंग वगैरह। जो कैकिंग अभी की नहीं है? अभी नहीं करी है, आज हम लोग भी करेंगे आज ही। कल लेट हो गए थे हम लोग। वही हमारा भी था, हमने कहा है तो एंजॉय, लेट्स एंजॉय स्लोली एंड। तो भाई देखो टोस्ट भी निकल चुके हैं। टोस्ट कौन लाया था भाई घर से? ओ भाई नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ये देखो भाई टोस्ट साथ चल रहा है। और हमने मैम को मैगी और चाय दी थी, उसके बाद अभी एक चीज और रखी हुई है हमारे पास जो हमने कल यहाँ से तोड़ी थी, नाशपाती। तो मैम को वो भी ऑफर करते हैं। ये देखो भाई बहुत सारा स्टॉक है, अगर किसी को चाहिए हो तो आ सकता है। गाइस कासे में लगने वाला है अगर डेविड डी नाम पे ठेला नाशपाती का। यहाँ से 20-25 किलो तोड़ के लेके आने वाले हम लोग। भाई बहुत है यहाँ पे बहुत, और तोड़ने पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन हो। ये ट्राई करोगी? ये हम कल कर गए यहाँ पे, वेरी टेस्टी। हमने तो तोड़े थे कल यहाँ से। हाँ यही से हम लोगों ने भी ना ऊपर पत्थर फेंक फेंक के। अरे यहाँ पे एक बंदा खड़ा था वो चढ़ गया था ऊपर, ये तोड़ के देता हूँ। गाइस हम लोगों ने उनको मैगी चाय दी थी, ये देख के बतख बुरा मान गई। अब बतख पूरी गैंग लेके आ रही है। चोरी करता हूँ कि हमें चाय क्यों नहीं दी, हमसे क्यों नहीं पूछा गया चाय के बारे में। लबड़ा बढ़ जा रहा है भाई, चोंच बहुत तेज मारती है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? हे बतख गैंग भाई, ये बतख ना रात में हमारे टेंट के बाहर थी और आवाज कर रही थी, हमें लगा कि जानवर आ गया। विंडो से देखा तो पता पड़ा बतख है। कहाँ जा रही हो? अनुज भाई नहीं, ये कह रहे हैं कि चाय और मैगी दे दो। रख देना मैगी खाएंगी ये। आ गई भाई, आ गई मैगी खाने के लिए। ओ भाई मैगी खत्म कर दी भाई, मैगी खाती हुई बतख। अरे पास मत जा, मैगी समझ के तेरे हाथ में चढ़ गई तोल ले। भाई पूरी मैगी खत्म कर दी, देख लो। अब देखो बतख पीछे पड़ चुकी है वहां पे, देखो। तो ये अभी चल रहा है सूर्य नमस्कार। गाइस डकों में फिर से लफड़ा पड़ चुका है, लड़ाई हो गई फिर से। तो भाई अभी चल रहा है कि कौन गिट्टी ज्यादा बार पानी में निकाल देगा। ये गेम आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, और हम इस गेम को अभी भी भूल नहीं रहे। जब भी कोई नदी तालाब लेक समुद्र नहर कुछ भी मिल जाए तो नहीं चालू हो जाते हैं। गिट्टी नहीं मिल पा रही भाई। मैंने ना एक बार 105 बार निकाली थी। वो कौन सा बार था? एक बार वाला कौन सा बार था? ये तो इतनी बड़ी नहीं है लेक, होती तो मैं आज दिखाता तुम लोगों को अपना जलवा। तो गाइस देखो गिट्टी मिल चुकी है, अभी देखो देखते हैं कितने बार गिट्टी निकलती है। ठीक है सॉरी गाइस, दो बार हम तो 120 बार कह रहे थे भाई। वो लेक का हिसाब किताब है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। जब तक पानी नहीं जाएगा इंसान के अंदर, एक बार फिर ट्राई करते हैं। भाई साहब बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अभी जब लास्ट बार मैंने मारी तो 5 बार निकली थी, फिर से ट्राई करते कि निकल जाए। इस बार 4 बार दिखाओ दिखाओ, 4 बार गई है मेरी। भाई अंकल जी कूदे, मैंने कहा क्या हो गया भाई। ये जो लेक है ना, एक अंकल बता रहे थे कि अप्रोक्स भाई 100 फीट गहरी है, और यहाँ से हल्का सा आगे आप जाओगे ना तो गहराई बढ़ती है, एकदम बढ़ती है भाई, धीमे धीमे करके नहीं बढ़ती, एकदम बढ़ती है। एक भैया ने कल ना मैं अंदर जाके भी दिखाया था, उनको स्विमिंग आती थी तो बोल रहे थे अगर स्विमिंग नहीं आती तो ज्यादा आगे तक इसमें मत जाना, ज्यादा आगे क्या बस हल्का हल्का आगे ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं नहाने का। और वो अंकल लोग देखो भाई कितना आगे जा चुके हैं, ये देखो उल्टा तैर रहा है। अभी ये सारे करतब तुम्हारा भाई करके दिखाएगा, करके दिखाओ उल्टा सीधा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली लेक के अंदर। कल भी हम लोगों ने सोचा था लेकिन कल फिर लेट हो गए, टेंट वेंट लगाते रहे, लाइट बिल्कुल चली गई। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं। वेनम भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओ भाई बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। ये देखो भैया गिट्टी मारते हुए। भैया एक लंबी वाली जंप मारो, लंबी वाली जंप। अभी देखो दिखाता हूँ भैया की लंबी वाली जंप। ओ भाई खतरनाक खतरनाक भैया, आपके पास तो गहरा है ये देखो। ओ भाई देखो वहां पे इतना गहरा है, मैं आ जाऊं उधर। क्या हुआ हाथ में लग गई कैसे? पत्थर है ना उधर। अच्छा अच्छा, क्यों अनुज भाई कैसा लग रहा है लेक में अंदर आके? लेक में नहा के कैसा लग रहा है? बेहतरीन, मजा आ गया।
काफी मजा आ रहा है गाइस, ये देखिए गाइस, ऊपर तक अभी भीगा नहीं था, बाल मत भगाना। गाइस कोई भागा ही नहीं, प्रैंक फेल हो गया। गजब बेइज्जती है। सुबह नहा दोगे, हो चुके हैं रेडी। अब टाइम है इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का, क्योंकि आगे और खूबसूरत जगह हमारा इंतजार कर रही है। भाई उसके लिए जो हमने ये इतना सामान तामन फैला रखा है, इसको रखना पड़ेगा। भाई जब फैलाया था तब तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन अब भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक चीज और याद आ रही है, सामान को ऊपर ले जाना भी तो है। ऊपर भी ले जाना है, प्लस इसको पैक करना है। देख रहे हो भाई, टेंट के अंदर देखो, दिखाता हूँ भाई। ऐसा लग रहा है कि हम 6-7 दिन के लिए रुकने आए हैं यहाँ पे। अब भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो भाई देखो, अभी ना टी शर्ट ढूंढी जा रही है। किन की गई है टी शर्ट भाई? ये देखो, टी शर्ट से कैच कैच खेल रहे थे और टी शर्ट आगे चली गई। देखो उनको बुलाया गया, भैया को, वो स्विमिंग कर रहे हैं। अभी देखो देखते हैं मिलती है या फिर नहीं मिलती है। मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगी। नीचे चली गई होगी। ये देखो भाई, पैकिंग करते हुए आ रहे हैं। सो गाइस शुरू करते हैं पैकिंग। सबसे पहले अपना बैग पैक करते हैं, उसके बाद टेंट पैक करते हैं। सो गाइस बैग वगैरह तो पैक हम लोग कर चुके हैं, अब टेंट को पैक करते हैं। सो गाइस सामान लोड करके अभी निकल चुके हैं वापस से। बाकी यार वेदर चेक करो, उधर देखो भाई कितना फॉग ही फॉग हो रखा है। अब ना बारिश आने की थोड़ी सी संभावना लग रही है, एक दो बूंद गिरने लगी है पानी। तो फटाफट से निकलते हैं, सामान लोड करते हैं और ऊपर चल के देखते हैं भाई अब यहाँ से कहाँ निकलना है। सो अब देखो होने वाली हालत खराब, क्योंकि अब ना स्लोप वाली चढ़ाई है। सो गाइस हम लोग बाइक्स तक पहुँच चुके हैं और सामान कहाँ तक लाने में हालत खराब हो चुकी है। यहाँ हम लोगों ने कैंपिंग की थी, वो जगह दूर है, आधा रास्ता ऐसा स्लोप वाला है, चढ़ के आना पड़ा है। और ये पूरे सैडल बैग्स का बीट था मेरे जिम में। देखो धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, पीछे वैनम भाई बड़ा वाला बैग लाते हुए, सबसे ज्यादा भारी यही वाला बैग है। तो गाइस हम लोगों ने अपनी बाइक्स पे सामान लोड कर दिया। ये देखो अनुज भाई का भी सामान लोड हो चुका है, लेकिन भाई बारिश आ चुकी है। अभी बहुत हल्की हल्की हो रही है, अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ी तेज बारिश हो रही थी। टाइम देखो भाई 12:17 हो रहे हैं और हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो अभी ना सारे लोगों का थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, वापस से हम लोग यहीं पे कैंप लगाते हैं अपना और यहीं रुकते हैं। सुबह निकलते हैं भाई, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। रास्ते में बारिश मिलेगी तो वहाँ रुकना और फिर हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सोच रहे हैं कि यहीं पे कैंपिंग करते हैं बारिश में। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा सामान है, हम ऊपर लेके आए अभी, अब फिर वापस से लेके जाएंगे, फिर कैंप लगाएंगे। थोड़ी सरदर्दी तो है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे हम लोग तो हो सकता है कि ज्यादा सरदर्दी हो जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर ले रहे हैं। क्यों भाई चले अब? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं काइकिंग के लिए। दो बैग हम लोगों ने ऊपर बांध दी अपनी बाइक्स पे और छोटा मोटा जो सामान है वो हम लोगों ने ले लिया है। अभी हम लोग बात करके गए थे यहाँ पे काइकिंग के लिए। सो गाइस अभी पहनते हैं लाइफ जैकेट, वैनम भाई और अनुज भाई ने तो पहन लिया। और भाई हम लोग अपना हेलमेट भी लेके आए हैं, हेलमेट से चलेगी ब्लॉगिंग। सो गाइस हमारे साथ हमारे सुबह वाले फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, साथ में करते हैं काइकिंग। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि सिंगल वाली बोट ली जाए या डबल वाली बोट ली जाए। सो गाइस अपनी बोट आ चुकी है, निकलते हैं। किधर बैठना है भाई? इधर, ये सिंगल वाला है, सिंगल। तो गाइस मैंने ना हेलमेट लगा लिया अपना, मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप, और अपनी बोट भी आ चुकी है। और बाकी के लोगों को अभी बोट नहीं मिली है भाई, भाई लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपनी बोट को थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं बोट से। भाई भाई मैं पहली बार कायाकिंग कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा पहले। ये सीख गया मैं भाई, गलत जा रहे हैं भाई, फिर से अपनी बोट उसी डायरेक्शन में आ गई, एक्सीडेंट हो गया भाई। भाई व्यू चेक कर रहे हो यार, क्या ही खतरनाक व्यू हो रखा है। अरे भाई अपनी बोट कहाँ जा रही है? भाई अपनी तो व्यवस्था ही नहीं बन पा रही। हाँ भाई लोग तो देखो काफी आगे आगे तक जा रखे हैं, ये ना नीचे से गीला भी हो रखा है। भाई शिवम भी काफी आगे पहुंच गया। अरे भाई मैं इसको गलत डायरेक्शन में घुमा देता हूँ। ओ कब से कर रहे भाई स्विम? आधा घंटा अपना एक्सीडेंट हो गया, टकरा गई ना बोट। लाइसेंस नहीं है, जेल होगी फिर तो सीधा। भाई अपनी पैंट भीग जाएगी पूरी। अब भाई मैं सीख गया इसको चलाना प्रॉपर तरीके से, मेरी बोट अलग घूम जाती है यार। यार ये थी सिंगल वाली बोट,
भाई देख रहे हैं छोटी सी बोट मिलती है सिंगल के लिए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ मेरी तो बोट यार घूम जाती है। ओ एक्सीडेंट चल रहा है यार यहाँ पे। रेस्ट करते हैं अपनी कायक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी भाई टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं भाई, काफी टाइम हो गया यार, धूप नहीं निकली आज, आज धूप के दर्शन नहीं हुए। अभी देखो भाई एक्सीडेंट करता हूँ। एक्सीडेंट कर दिया गाइस मैंने, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये गाइस एक्सीडेंट हो गया। भाई हमारी बोट में पानी आ चुका है, हमारी बोट बड़ी कर दी है यार। अब वहां चलते हैं एंड तक। ऐसे कर दो ऐसे, जब बोट घूमे तो वही। अभी चलो एंड में चलते हैं और फिर आएंगे वहां से वापस। This is how I feel and I can't stop. Opposites attract, I need you non-stop. गाइस हम लोग बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को वहां से दिखाया था कि हम लोग यहां जा रहे हैं, तो बिल्कुल भाई एंड में आ चुके हैं। रौनक ये रहा, अनुज भाई बो रहे, शिवम बो रहा। तो गाइस देखो ड्रैग रेस लग चुकी है हमारी और रौनक की, कौन आगे पहुंच जाता है। हम लोगों को उस वाली बोट तक जाना है, ठीक है भाई। भाई आपने बाइक की तो ड्रैग रेस देखी होगी आज पहली बार ड्रैग रेस। देखो भाई मोड़ता हुआ कयाक में अपनी, भाई हारूंगा नहीं। भाई जीत गया मैं, बोट तक जाने की हुई थी, अभी देखो पास नहीं पहुंचे, ठीक है। अरे भाई आगे निकल गई, वाली बोट तो आगे चली गई। भाई वो लोग पहले ही आगे चले गए। भाई बोट आगे जा रही है उन लोगों की। ये स्ट्रेट भाई रास्ता भटक गए वो लोग, अलग ही डायरेक्शन में जा रही है यार भाई बोट। वो लोग पहले पहुंच जाएंगे यार, से पहले पहुंचोगे नहीं। अरे भाई अपनी बोट अलग ही जा रही है यार, सबसे पीछे मैं ही आया हूँ। तो गाइस अभी हमने ना सारी कायक्स को बांध दिया है एक दूसरे से। देखो मैंने रौनक वाली को बांध दिया, रौनक ने उस भाई की कायक को बांध दिया है। अभी देखो ये भी बंधने वाली है, अब देखो ट्रेन बन जाएगी। तो गाइस अभी लगाते हैं एक दूसरे के पीछे कायक। पहले मुझे सीधी करनी पड़ी क्योंकि सबसे आगे मेरी बंधी हुई है। देखो भाई पीछे सारे लोग आ रहे हैं, ट्रेन बना दी हमने। ओ भाई एक्सीडेंट हो जाएगा अब। ये देखो भाई पीछे के नजारे, ये देखो भाई अपनी ट्रेन, वाटर ट्रेन। भाई अभी ना मैंने अपनी कायक को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मस्त व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। रौनक भाई आ चुके हैं, शिवम देखो यार बहुत दूर जा चुका है, पीछे आ रहे हैं अनुज भाई। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:15, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। सबसे आगे शिवम जा रहा है, ये रौनक
अनुज भाई पीछे फोन पे बात कर रहे हैं। काफी मजा आया यार कायाकिंग करके। वेदर देख रहे हो भाई, अभी तक धूप नहीं निकली है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। ब्लॉग मैंने काफी पहले बंद कर दिया था, तो अभी अपनी कायक को लेके चलते हैं किनारे पे, फिर उतरते हैं। भूख भी काफी लग रही है, कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं कि आगे का प्लान क्या बन रहा है। कायाकिंग करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। अभी देखो देखा जा रहा है क्या मंगाया जाए, भूख बहुत तेज लग रही है कायाकिंग करने के बाद। गाइस हम लोगों ने मंगाया आलू पराठा, दही और अचार, तो जल्दी जल्दी खाते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ भी नहीं खाया।